ये फालतू की चीज डिलीट करो, एक बार आ जाने दो सबको। जैसे कि ये जो ये ऑप्शन होते हैं ना, ये नर्व्स के होते हैं एक्चुअल में, पर हम पॉलीमॉर्निंग और नर्व्स को कैसे साथ में यूज कर सकते हैं ये भी बता रहा हूँ। और मेरे को ये चीज थोड़ी बहुत आड़ी टेढ़ी मेढ़ी या कैसी भी किसी चीज पे रखनी है, तो ये कैसे यूज करूँ, ये कैसे मैं करूंगा सेट, वही बता देता हूँ। यहाँ पे आते हैं ऑप्शन लेटिस, डिफॉर्म में जाओगे लेटिस, इस पे क्लिक करोगे सीधा आ जाएगा इस पे, और यहाँ पे इसके कंट्रोल पॉइंट आते हैं। अब देख रहे हो कितना स्मूथ कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे ले जाऊं तो ऐसे करेगा, पर एक्चुअल में अगर मैं लेटिस की जगह यहाँ पे क्या स्मूथ सिलेक्शन ऑन करके करूं, तब भी वो ऐसा आउटपुट नहीं लाएगा जैसा, क्योंकि ये तो तब भी इतना ही उठ रहा है ना और ऐसी शेप बना रहा है। पर मेरे को क्या चाहिए, जैसे मैंने अभी लेटिस से करा था वो आउटपुट तो नहीं ला पाएगा ना ये। मैं वापस बी बी प्रेस करके ऑफ करता हूँ, क्योंकि कभी भी तुम वर्टेक्स से ना उतना कॉम्प्लेक्स नहीं कर सकते किसी की चीज को। यहाँ पे जाता हूँ लेटिस में, लेटिस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे देख रहे हो लेटिस में भी ना पॉइंट आ रहे होंगे उसके। सेलेक्ट करो, ये पॉइंट्स आ रहे हैं इसके। इन सबको पकड़ो, जैसी भी शेप चाहिए तुम्हें वैसे इससे भी क्रिएट कर सकते हो तुम, जैसे ये पास चाहिए या सिर्फ सीधा करके ऐसे चाहिए ये। ऐसे पास लिया है, उसके बाद क्या करना तुम्हें, बैंड कर देना है इसमें। टॉप में जाओ पहले, तो अंडू करो, दोनों को पकड़ो एक टाइम पे, स्केल कर दो। सीधा कर दो ना, गए ऑब्जेक्ट मोड पे। अब कोई भी लेटेस्ट वाला पार्ट एक बार फिर से बताना। अंडू, जैसे मैं वर्टेक्स से करता हूँ ना कोई चीज यूज, मैं वर्टेक्स पकड़ी, अब वर्टेक्स से तो ऐसे करके यही मूव हो रही है सर। वर्टेक्स अगर स्मूथ भी ऑन कर दो तो कितना करेगा काम, ऐसे कर दिया तो ऐसे करेगा। पास की चीज तो उतना ज्यादा ही उठाएगा ना स्मूथ, पर मेरे को चाहिए ऐसे नहीं चाहिए, ये सारी चीज ऐसे नहीं उठनी चाहिए कि ये यहाँ पे ये कर्व बन जाए ऐसा कुछ। ये उठे पर सीधा 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 उठे, जैसा फ्लैट था नीचे यहाँ पे वैसे ही उठे, मेरे को ऐसा चाहिए कुछ। तो मैं ऑफ करता हूँ यहाँ पे, डिफॉर्म में जाना है तो मैं सीधा लेटिस पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे इसके आते राइट क्लिक करना, लेटिस पॉइंट पकड़ लो सारे, अब उठाओ इसे। देख रहे हो जो स्मूथ स्मूथ सिलेक्शन में मैं सेलेक्ट कर रहा था और उठा रहा था, मूव कर रहा था कोई भी चीज, तो उसमें ना आगे की चीज ज्यादा राउंड में आ रही थी, उस पर ज्यादा ज्यादा प्रेशर आ रहा था, क्योंकि जहां पे हम उसमें स्मूथ सिलेक्शन में जहां पे हम कोई वर्टेक्स सेलेक्ट करते हैं तो उसके आसपास का जो कंट्रोल होता है वो ज्यादा बड़ा होता है, और जहां दूर दूर जाते जाते ना वो स्मूथ होता जाता है, मतलब मूव का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और ये मैंने इसमें सिर्फ इतने पॉइंट ऐड कर रखे हैं ना, बीच में कोई ऐड नहीं करा मैंने, तो ये सिर्फ ऐसे रिएक्ट कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसमें एक और चीज होती है, इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं अब हम क्या क्या कर सकता है। और ये यहाँ पे डिफॉर्म में जाओ, लेटिस की प्रॉपर्टी आती है, इस डब्बे पे क्लिक करना। अभी इसमें क्या हो रहा है, 2 5 2, मैं क्या करता हूँ सब में 3 3 कर देता हूँ, 3 3 3, मतलब ये वही हो गई हाइट विड्थ, मतलब वाई जी और एक्स तीनों एक्सिस में हमें कितने कितनी कितनी वो चाहिए लेटिस में एजेस। और यहाँ पे कर देता हूँ क्रिएट, पहले बीच में नहीं आ रही थी ना, अब बीच में भी आ गई। यहाँ पे करो पॉइंट्स ऑन, अब मैं चाहूँ तो बीच में से ऐसे मूव कर सकता हूँ इसे,
जैसे कि कोई झोपड़ी वगैरह बनाते हैं उसके ऊपर का कोई शेप बना लिया मैंने प्लेन पे, वैसे कर्व में बनाना मुश्किल है, या फिर कोई टेढ़ी चीज पे बनाना, तो प्लेन पे बना लो, सीधा ऊपर कर दो ऐसे, इन्हें पकड़ो आर करके स्केल कर दो पास में। आज कुछ बना के नहीं दिखा रहा, बस ये बता रहा हूँ कि ऑप्शन क्यों यू कैसे यूज कर सकते हैं, इससे क्या क्या कर सकते हैं। ये पकड़ो, ये पकड़ो, स्केल कर लो बीच में, ठीक है। उसके बाद क्या करता हूँ मैं, ये पकड़ता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आता है डिलीट टैब, हिस्ट्री, हिस्ट्री डिलीट करते ही हट जाएगा। उसके बाद एक और ऑप्शन आता है यहाँ पे डिफॉर्म में, नॉन लीनियर में, जिसमें बेंड आता है उसमें आता है ट्विस्ट। ट्विस्ट का तो मतलब ट्विस्ट बोल रहा हूँ तो उससे ही समझ जाओ, कोई भी चीज ऐसे राउंड करनी है, घुमानी है, ट्विस्ट करनी है, तो ये पकड़ा मैंने, यहाँ पे जाओ ट्विस्ट में, यहाँ पे आता है स्टार्ट एंगल एंड एंगल। स्टार्ट एंगल करोगे नीचे से ट्विस्ट करेगा वो, नीचे से घुमाएगा, एंड एंगल करूंगा तो ऊपर से घुमाएगा, बस सर आगे एक बार दीपक को ऐड कर दिया। जैसे कि कोई ड्रिल मशीन बनानी है, या फिर इसके ऊपर जैसे आइसक्रीम ही है मान लो, यहाँ पे मैं जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड, आइसोलेट कर लेता हूँ इसे, फेस पकड़े सारे, ऊपर के छोड़ दो, नीचे के छोड़ दो, ठीक है। शिफ्ट राइट क्लिक एक्सट्रूड, की फेस टुगेदर ऑफ, ऑफसेट दे दो, ठीक और थोड़ी सी थिकनेस दे दो। ठीक है, कुछ ऐसा डिजाइन होता है कोन में जो भी है वो बन गया, और नीचे के यहाँ के हमेशा खराब होते हैं ये। फाइव दबाओ, फेस पकड़ो यहाँ से यहाँ तक, डिलीट, ये डिलीट, ये फेस, ये फेस, ब्रिज, बीस, ठीक है, ऐसे नहीं होंगे ब्रिज, 80 80, और यहाँ पे कर दो ब्रिज, ऐसे नहीं हो रहे सही, तो एक सामने। कभी कभी क्या होता है ब्रिज में कर रहा हूँ ना तो ऐसे हो रहा है ब्रिज, जबकि यहाँ कर्व भी नहीं है कुछ भी नहीं है, तो क्या करते रहा, यहाँ का फेस यहाँ से जोड़ते रहा। तो उसके लिए क्या करना, यहाँ पे जाना, कोई ये कोई दो फेस जो आमने सामने है वो पहले ब्रिज कर दो एक बार। ये कर दिया मैंने ब्रिज, डबल क्लिक करो, बीच के छोड़ो, जूम कर दो थोड़ी थोड़ी। ब्रिज है। जैसे कि यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, मैं ब्रिज कर रहा हूँ, मैं डबल क्लिक करके ये ब्रिज करे मैंने, तो ऐसे कर रहा है कर्म में, यहाँ का जो फेस है ना वो पीछे मिला दे रहा है, यहाँ कहीं इतना पीछे, पर मेरे को चाहिए सामने सामने ब्रिज हो। तो कोई भी एक फेस पकड़ लो, यहाँ पे पहले करो एक्सट्रूड स्केल, और इसमें कर दो सर्कुलराइज डब्ल्यू, बाहर की तरफ स्केल कर दो पहले, तो क्लिक करो, यहाँ पे देख रहे हो एक्स्ट्रा वर्टेक्स आ गई है एक्सट्रूड करते टाइम ना। कभी कभी क्या होता है कि माया में ना बग है, या फिर कभी कभी जैसे ज्यादा हिस्ट्री हो गई है या कुछ भी है, तो एक्स्ट्रा वर्टेक्स ऐड हो जाती है। कभी थ्री दबा के दो दिख रही है, वन में नहीं दिख रही, और वो एक बार में ठीक करनी है तुम्हें। तो उसके लिए क्या करना, वर्टेक्स मोड पे जाओ, वर्टेक्स पकड़ो सारी और मर्ज वर्टेक्स, उसके बाद स्केल मर्ज वर्टेक्स में वैल्यू डाल देना, यहाँ पे 0.001, अस्सी चालीस,
एक एक्स्ट्रा फेस चले गया उसका। स्टूड नीचे का डिलीट ही कर दो फेस ऑब्जेक्ट मोड। इस पे कर दो सर्कुलराइज। यहाँ पे भी एक्स्ट्रा वर्टेक्स है, वन दबाओ, सारे वर्टेक्स पकड़ो, शिफ्ट राइट क्लिक, मर्ज वर्टेक्स, लेट। ठीक है, साइड व्यू में जाओ, मर्ज मर्ज वर्टेक्स, अब हो गया ठीक। उसके बाद डबल क्लिक, सर्कुलराइज, सिलेंडर बन गया वापस वो, एक्सट्रूड अंदर की तरफ, एक्सट्रूड अंदर की तरफ, मर्ज मर्ज टू सेंटर, इसे पकड़ो, बेवल कर दो, सेगमेंटेड कर दो इसमें। उसके बाद यहाँ पे एज पकड़ी, एक्सट्रूड कर दो बाहर की तरफ, फिर से एक्सट्रूड, शिफ्ट राइट के लिए एक्सट्रूड, डब्ल्यू दबाओ ऊपर की तरफ, फिर से शिफ्ट राइट क्लिक, एक्सट्रूड अंदर की तरफ, फिर से एक्सट्रूड कर देना अंदर अंदर, स्केल कर लेना थोड़ा सा, तो एक कर्म है, अगर ये सीधा रहेगा तो बाहर यहाँ पे मैच निकल रहा है ना, तो अंदर की तरफ थोड़ा सा स्केल कर लो उसे, और फिर से शिफ्ट राइट क्लिक, एक्सट्रूड आर प्रेस करके अंदर की तरफ स्केल करके, शिफ्ट राइट क्लिक, मर्ज मर्ज टू सेंटर, बंद। उसके बाद मैंने एक और कोन ले लिया यहाँ पे, और इसमें दे दिए ये 12 दे दिए। नीचे का फेस डिलीट कर दो, थोड़ा स्केल, मर्ज एक्सट्रूड मर्ज मर्ज टू सेंटर, इसका सेंटर पॉइंट मिल गया। यहाँ पे रख दिया मैंने पाइवट, पाइवट यहाँ पे इसलिए रखा मेरे को यहाँ पे स्नैप कराना है, इसके बीचों बीच इसका ये पॉइंट यहाँ पे स्नैप हो जाए, तो मैं वी प्रेस करता हूँ बस, बीच में आ जाएगा। उसके बाद स्केल थोड़ा सा बाहर की तरफ कर लो इसे स्केल। उसके बाद फेस पकड़ लो सारे, आइसोलेट कर लिया मैंने, आइसोलेट करने के बाद सारे फेस पकड़ लिए, उसके बाद एक छोड़ के एक सेलेक्ट कर लिया मैंने, एक छोड़ के एक सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे कर दो एक्सट्रूड करने से पहले क्या करो, बीच में डिवीजन नहीं है इसमें, कोई चीज राउंड करनी है तो मेरे को डिवीजन चाहिए, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, रिंग एंड स्प्लिट, रिंग एंड स्प्लिट। अभी रिंग एंड स्प्लिट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये कोन है, यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, तो या तो फिर मैं पॉलीगॉन में जाके यहाँ पे इसके डिवीजन हाइट के ही बढ़ा दूं, या कर दूं 5, पर अब कर रहा हूं तो वो शेप खराब कर दे रहा है नीचे की, क्योंकि मैंने पहले स्केल कर लिया था एक बार, इसे डिलीट कर दो ठीक हो जाएगा। और उसके बाद ये इसलिए हो रहा है जैसे कि मैंने हिस्ट्री ना यहाँ पे बहुत सारी चीजें पहले कर दी, हिस्ट्री बन गई किसी ऑब्जेक्ट की, उसके बाद अगर मैं जाके यहाँ पे कोई चीज चेंज करना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने बॉक्स बनाया उसमें से एक्सट्रूड कर दिया, पर अब मैं बॉक्स के सब डिवीजन यहाँ पे जाके छेड़ू तो खराब कर देगा, क्योंकि उसके ऊपर उस पर बहुत सारा काम हो चुका है पहले से। तो जब भी कोई भी चीज ले तो पहले उसके डिसाइड कर लो कि हाइट रखनी है तो हाइट में जितने है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट देने तो अब तुम ऐसे भी दे सकते हो। यहाँ पे ट्रायंगल है तो कोई नहीं, मल्टी कट लो, साइड व्यू में जाओ और यहाँ पे बाहर क्लिक करना और शिफ्ट दबाना, शिफ्ट से क्या होता है ये सीधा लेगा, बिल्कुल शिफ्ट से सीधा लिया बाहर की तरफ, बाहर से बाहर क्लिक कर देना,
लेफ्ट क्लिक छोड़ना नहीं है, जब तक शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक छोड़ना नहीं है, सीधा लिया यहाँ पर छोड़ दो, यहाँ पे कैच लग जाएगी यहाँ पे, उसके बाद रिंग एंड स्प्लिट, रिंग एंड स्प्लिट, और एक यहाँ पर डाल कोण बनाने के लिए किया आपने अभी। हाँ जैसे कि ऊपर देखो कोन में तो ऊपर ट्रायंगल ही होगा ना, यहाँ पे खत्म हो रहा है यहाँ तो, पहले तो रिंग स्प्लिट ले नहीं रहा था मैं, ये सारी आज हटा देता हूँ, अंडू अंडू अंडू, अब मैं रिंग स्प्लिट करता हूँ, यहाँ ले गई नहीं वो, क्योंकि वहां पे ट्रायंगल बना हुआ है, तो उसके लिए क्या करता हूँ मल्टी कट से कैच लगा लेता हूँ सब में ऊपर, पहले यहाँ पे जाता हूँ मल्टी कट लेता हूँ, बाहर क्लिक करना यहाँ पे, जैसे कि इस कोने पे लगानी है, बाहर क्लिक करा मैंने एज मोड पे रह के, और शिफ्ट दबाना, शिफ्ट से क्या होता है एंगल स्नैप होता है, जैसे कि इतने एंगल पे चाहिए इतने पे चाहिए, तो बिल्कुल सीधा ही ले जाएगा, तो शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक दबाए रखना, इसके सामने ले आया मैं, और ऐसे छोड़ दो, शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक दोनों छोड़ दो एक साथ, वहां पे कैच लग जाएगी। अब यहाँ पे करो रिंग एंड स्प्लिट, एजेस लग गई, उसके बाद क्या करो यहाँ पे सेलेक्ट सारी एज, और ये वाली एज हटा देना, ये सब करने के बाद इतनी पास एज नहीं रखते, दिखती नहीं है वो, फायदा नहीं उसका कुछ। फेस पकड़ लिया सारे, उससे पहले फेस टू फेस, नीचे का फेस डिलीट कर दो, सारे फेस पकड़ लो, एक छोड़ के एक सेलेक्ट कर लो, सारे फेस पकड़ लिए, शिफ्ट राइट क्लिक एक्सट्रूड, थिकनेस कर दी थोड़ी सी बाहर, ऑफसेट थोड़ा सा अंदर को, और थोड़ा सा थिकनेस ज्यादा रखना, और आर दबा के ना स्केल कर लेना ऑफसेट की जगह, थोड़ा सा नीचे की तरफ दोनों तरफ से स्क्यू हो जाएगा वो, स्केल हो गया, थ्री दबाओगे वैसा दिख रहा है, थोड़ा बहुत मतलब आइसक्रीम जैसा दिख रहा है वो, थ्री दबा देता हूँ यहाँ पे भी। अभी एक चीज और करते हैं इसमें, यहाँ पे सपोर्टिंग एज लगा लेता हूँ पहले मैं, चैम्फर ऑफ, चैम्फर ऑफ करते ही सपोर्टिंग एज लग गई यहाँ पे, थ्री दबाओगे ठीक आएगा वो, ठीक है, आइसोलेट बंद करो, यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा बढ़ा दो, और यहाँ पे डाल दो ब्लिन, उसके बाद डिफॉर्म में आता है एक और ऑप्शन, अभी बताया था यहाँ पे ट्विस्ट, ट्विस्ट लगा दो इस पे, अब देख लो स्टार्ट पॉइंट कौन सा है, स्टार्ट पे नीचे से घूम रहा है या फिर हैंड से घुमा लो इसे, ऐसी होती है ना कुछ, उसके बाद ये पकड़ो ट्विस्ट, ट्विस्ट वाली ये जो करवा रहा है, और यहाँ पे कर दो डिलीट ऑल टैब बाय स्ट्री, शॉर्टकट लगाया था मैंने, क्लिक करते ही हट जाएगा, उसके बाद अब भी ऐसे आ रही है कि बिल्कुल सीधी है, तो थोड़ा बहुत इसे शेप देने के लिए वर्टेक्स मोड पे जाओ, थ्री दबा की वर्टेक्स पकड़ी, बी प्रेस करो स्मूथ ऑन, थोड़ा सा टेढ़े कर लो ऊपर से पकड़ो, यहां से थोड़ी सी ऐसे हो गई, कुछ भी बना सकते हो ऐसे चीजें छोटी मोटी, एटलीस्ट ज्यादा भी नहीं तो ट्विस्ट से ये वाला, ये वाली शेप ट्राई करके देखना, नहीं समझ आती तो पूछना, ये जाल वगैरह कुछ बना के देखना, चार पांच टूल बताए हैं आज कुछ नए तो उन्हें ट्राई करो, yes, क्योंकि इतने टाइम से सिमिलर टूल ही बता रहा हूँ मैं, उनसे चीजें बना रहा हूँ,
तो शायद अब थोड़ी बहुत ट्रिक बताई है, टिप्स बताई है, एक बार देखो कुछ हेल्प होती है तो। और ठीक है मैं समझ सकता हूँ कि ऐसे ऑनलाइन में अभी इतना समझ नहीं आ रहा, पर ना खुद के भी थोड़े बहुत एफर्ट होते हैं, और बाकी ना जब तक तुम करोगे नहीं ना सिस्टम पे समझ नहीं आएगा। दो बार करो, तीन बार करो, दस बार करो, दस बार नहीं हो रहा तब पूछो मेरे से, क्लास में पूछो, अपनी फाइल मेल कर दो, कह दो कि सर फाइल देख लो मेरी, क्लास में यहीं पे देखूंगा, लास्ट के आधे घंटे में सबकी फाइल देखता हूँ एक बार, ऐसे कर लेता हूँ उसे। पर फाइल आनी भी चाहिए, कुछ की आती है मेरे पे, तो उसमें तुम पूछ सकते हो ना ये वाला गलत क्यों है पार्ट, तो मैं ठीक करके बताऊंगा ऐसे ऐसे करा है तुमने इसलिए गलत है। एक बार मैं दिखा देता हूँ फाइल, ये करो डोंट सेव, कंट्रोल हो कंट्रोल वी, कंटिन्यू। ये नट बना के भेजे मेरे को किसने, देख लेता हूँ मैं, याद नहीं सर मेरा, हाँ यश ने भेजा था, तो एक बार देख लेते हैं। अब इसने भी ट्राई कराया तो बना ही लिया, सही बनाया बहुत। बी बंद करो, अच्छा बनाया, यहाँ से बंद कर दूंगा। तो ऐसा नहीं है, अब यश भी कर ही रहा है ना, तो तुम भी कर सकते हो, ऐसा कुछ अलग तो है नहीं ना इसमें, हर कोई कर सकता है। और तुम पे तो वीडियो भी है, एक बार देखो, दस बार देखो, पॉज कर करके देख लो, जैसे स्टेप चल रहे हैं वैसे वैसे धीरे धीरे बनाते रहो, ज्यादा नहीं आधे एक घंटे का तो होता है, और कितना मतलब दिन में एक घंटा भी नहीं दे सकते अपने काम को, तो फिर फायदा क्या। एक यहाँ से और आएगी, ये वाली रहेगी तुम्हारी, ये इससे कनेक्ट होगी, कम से कम इसने ट्राई तो करा, और ट्राई क्या बना दिया पूरा का पूरा। तो फाइल करके भेजोगे तभी तो देख के बताऊंगा कैसे किसका कितना चल रहा है, इसका सही है बहुत। यहाँ मैं नहीं देख लेता हूँ, मैं ये तमन्ना ने भेजा था, पहले से ठीक है, वही है, ये वाले पार्ट में अवेलेबल कर लेना, यहाँ पे ये ऐसे नहीं आएगी सपोर्टिंग एज बताया था तुम्हें, इस वाले पार्ट को ठीक कर लेना बस, नाइफ तो ठीक है एटलीस्ट, और यहाँ पे सपोर्टिंग एज आएगी यहाँ पे और यहाँ पे, ये वाले पार्ट पे, और ये वाला वुड का जो तुमने अपडेट करा ना तमन्ना, एक बार वो वाली फाइल भेजना मेरे को, इस वाले पार्ट की जो बनाई थी तुमने, क्योंकि ये तो कुछ ये वाला पार्ट मुझसे बना ही नहीं मैंने, वो बस बी प्रेस करके उसको अंदर की तरफ वो स्केल कर लिया बस, वीडियो में देखा नहीं कैसे बना हुआ, देखा बना नहीं, एक बार देख लो मैच से शायद समझ आ जाए तुम्हारा मैच कैसा जा रहा है, एक बार फाइल में नाइफ कंटिन्यू, ये किसकी है पता नहीं, डोंट सेव, एक सेकंड फाइल दिखा देता हूँ तुम्हें, ये थी फाइल, और पाउच में कुछ करा तुमने अब तक? अभी इसका बस नीचे का बेस बनाया था, मतलब वो अच्छा। भी पूरा नहीं बनाया। तो भाई नाइफ वगैरह कोई तो चालू कर लो, सिर्फ इसी की फाइल आ रही है नाइफ की, नट भी इतने पहले दिया था मैंने, ये देख लो इसका मैच ऐसे जा रहा है, इस वाले में समझ नहीं आ रहा था तुम्हें, मैं दूसरे वाले नाइफ पे दिखा देता हूँ, ये लो ये वाली लेयर बंद कर देता हूँ, मैंने सिर्फ पहले यहाँ का स्केल करा और अंदर का स्केल कर दिया, ठीक है,
उसके बाद मैंने ना यहाँ से बुली इसे काट ही दिया था सीधा, यहाँ से सिर्फ कट लगाए मैंने ऐसे मल्टी कट से, और फिर एज ऐड करता गया था। वीडियो में भी है वो, एक बार देख लो तुम्हारे एज ना, मतलब आ तो ऐसी रही है तुम्हारी, ये वाली एज तुम्हारी सही आ रही है, उसके आगे ना ये एकदम से कट के ना ये वाला पार्ट स्केल हो रहा है तुम्हारा सीधा, ये वाला स्केल हो रहा है, वो तुम्हें स्केल करना है। जैसे स्केल करोगे तुम पहले सीधा ऐसे, और उसके बाद तुम उसे रोटेट कर लेना ऐसे करके। वो तो मैंने पूरा काट के एक बार में स्केल कर दिया अंदर की तरफ, तो हो गया मेरा। और नाइम में यहाँ पे ना एक ये कर्व छोड़ दे रहा है हर कोई, यहाँ पे देख रहे हो थोड़ा सा बाहर की तरफ ऐसे घुमा रखा है मैंने, ये राउंड आ रही है शेप, यहाँ से ऐसे राउंड आएगा, यहाँ से ऐसे, तुम्हारे में बीच में ये वाली एज नहीं है, ये जो ठीक है ना, ये कर लोगे तो यहाँ पे सपोर्टिंग एज देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो कर्व में आ जाएगी शेप, ऐसी कर्व में चाहिए तो। और अब भी तुम्हारे ना सपोर्टिंग एज के बाद बहुत सारी चीजें थोड़ी बहुत ब्लर आती है, यहाँ पे देख रहे थे ये वाली शेप ब्लर थी, और नीचे का ये बोल रहा था मैं, तुम ना सपोर्टिंग एज ऐसे लगा रहे हो कि ये डिलीट कर देता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक, डिलीट सीधा आ रही है तुम्हारी सपोर्टिंग एज, ये भी डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। वो तो बाद में वो एज सिलेक्ट करके बेवल ही तो करना है। हाँ तुम्हारी ऐसे फ्लैट मैंने किया था, फ्लैट पे नहीं आनी एक्चुअल में, नीचे का ना थोड़ा सा शेप ये ना राउंड में होगा, अगर फ्लैट में डालोगे ना तो यहाँ पे ना एक थोड़ा सा ये मोटी मोटी लाइट पास हो रही है ना, जरूरी है टेक्सचर के टाइम पे ना, ये ब्लैक शेड देगा नहीं तो यहाँ पे, अगर तुम यहाँ पे बेवल नहीं मारोगे ना सिंगल एज रखोगे तो यहाँ पे एक ब्लैक शेड दे देगा। जैसे बहुतों का आर्ट स्टेशन में काम देखा होगा, मैं दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम आती है उस पर, क्योंकि ना जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैं बता टूल्स बताऊँ, तुम्हें ना इन चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, कि तुम जैसे कि अभी जो बना रहे हो ना उसको पूरा एंड तक ले जाना है, तो उसके लिए पहले से ही तुम तैयारी करके रखो कि टेक्सचर में दिक्कत ना है, ये नहीं कि सिर्फ मॉडल ही खत्म करना है, इसे हम बाद में टेक्सचर पे भी ले जाएंगे, इस नाइफ को सेव करके रखेंगे सारे। क्या नाम था उसका, बैटल कॉम्बैट नाइफ था ना, बैटल कॉम्बैट बोल लूं, फॉल आउट नाइफ, जैसे इनका आउटपुट देख दूं मैं, बहुत ज्यादा वैसा है, देख रहे हो नीचे हल्का सा ब्लैक ब्लैक वो बन रहा है, यहाँ पे शेड आ रही है इस जगह पे नीचे की तरफ, मैं 3D में दिखाता हूँ यहाँ पे, और टेक्सचर इतना घटिया हो रखा है ना कसम से, ये ब्लैक शेड देख रहे हो यहाँ पे हल्का सा, यहाँ पे ये जिटर जिटर सा आ रहा है, ये यहाँ पे इसने ना सिंगल एज रखी है, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि सिंगल एज पे जब जहाँ पे एज खत्म होकर ऐसे मिलती है ना, और वहां पे वेट नहीं रहता तो वहां टेक्सचर खराब हो जाता है, पिक्सल नहीं मिलते क्योंकि टेक्सचर को, बाकी तो है ही घटिया ये। इसने भी क्या करा है, नीचे की तरफ सिंगल एज रखी है, कभी भी नीचे की तरफ ना सिंगल एज मत रखना है, यहाँ पे देख रहे हो टेक्सचर जहाँ पे खत्म हो रहा है ना वो एक तो एजी एजी लग रहा है, और यहाँ पे सफेद सफेद ये पिक्सल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो पिक्सलेट हो जा रहा है, सिंगल एज पे कभी भी ना टेक्सचर को पिक्सल नहीं मिलते, इसीलिए जहाँ पे भी तुम्हारी एज खत्म हो रही है कम से कम थोड़ा सा कर्वेचर रखो, जैसे मैंने दे रखा है यहाँ पे जो कर्व में होके खत्म हो रही है, ब्रेक के टाइम पे दिक्कत आती है, वो आगे की पाइपलाइन है, वो बताऊंगा ब्रेक क्या होता है क्या नहीं, अगर अभी से नहीं रखोगे तो दिक्कत आएंगी चीजों में, बाकी देख लो इसका ऐसे ऐसे मैच जा रहा है जो भी है, और फाइल करके दो यार जल्दी से जल्दी, नाइफ की तो किसी की कोई अपडेट ही नहीं है फाइल का तुम्हारे अलावा, तमन्ना के कम से कम कुछ तो अपडेट दो, एटलीस्ट ट्राई तो करो, कोई ट्राई ही नहीं कर रहा, फाइल तो तब आएगी, नट वगैरह तो ठीक है एक दो के आ गए, अंजुल के आ गए, दीप आ गया, कुछ के तो आ रहे हैं, पर बाकी तो कोई ट्राई नहीं कर रहा, जिनके घर पे सिस्टम नहीं है उसका ठीक है, पर ऐसा थोड़ी है सबके ही नहीं होगा, सिर्फ दो जनों की है तीन जनों की है, काम करो और अपडेट दो, ठीक है फिर आज के लिए बहुत है, फिर ऊपर से जाएगा तो फायदा नहीं तुम्हारे, और जितना बनाया उनमें से कम कुछ टूल तो ट्राई करके देखना, वीडियो डल जाएंगे, वीडियो देख के 10 बार ट्राई करो यार हो जाएगा, और तब भी समझ नहीं आता ना तो अगली क्लास में ना सब में पहले आप ही मेरे से पूछ लो कि सर नया पढ़ाने से अच्छा है कि जो हमें एक बार को समझ नहीं आया वो बता दो, क्योंकि मैं आगे बढ़ता जाऊंगा तुम पीछे रह जाओगे उसका फायदा नहीं,
वो बात अलग है, ट्राई नहीं करोगे तो फायदा ही नहीं कुछ। चलो ठीक है भाई दीपा, कह दो सबसे। थैंक यू बाय बाय। थैंक यू सर।